सुहागरात में दूल्हे का ये रूप देखकर भागी दुल्हन, जब सच्चाई आई सामने तो सबके उड़ गए होश। झारखंड के धनबाद में एक ऐसी घटना घटित हुई दोस्तों, जिसके बारे में जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल यहाँ एक दुल्हन अपनी सुहागरात वाले दिन चुपचाप से ससुराल से भाग आई और दूल्हे को इसकी कानो खान खबर नहीं हुई। ये मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे मामले को जानेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, वीडियो को लाइक करें दिल से और अपने दोस्तों के साथ इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें। तो आखिर भाई दुल्हन अपनी सुहागरात से भागी क्यों, चलिए जानते हैं। वैसे तो दोस्तों सुहागरात हर किसी की जिंदगी का सबसे खास दिन होता है, लेकिन अगर किसी दुल्हन को आप सुहागरात वाले दिन भागते हुए देख लें, आपको पता चले तो आप क्या करेंगे। धनबाद के टुंडी में दुल्हन टॉयलेट का बहाना बनाकर कमरे से निकली और फरार हो गई। दूल्हा सुहागरात की स्टेज पर इंतजार ही करता रह गया। जब वो बहुत देर तक नहीं लौटी तब दूल्हे को शक हुआ तो उसने दुल्हन को ढूंढना शुरू किया। दुल्हन के घर पर फोन किया तो पता चला कि वो मायके वापस आ गई है। आपको बता दें कि इस मामले में कोरोना को विलन कहा जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के डर से दुल्हन ससुराल वाली रात को बिना किसी को बताए घर चली गई। ये मामला 30 अप्रैल का दिखाया जा रहा है। यहाँ पर एक लड़की की शादी हुई और 1 मई को दुल्हन विदा होकर ससुराल तो पहुंची, लेकिन दिन भर ठीक ठाक रहने के बाद जैसे ही रात हुई दुल्हन सुहागरात की स्टेज पर पहुंची तो दूल्हा खांस रहा था। दुल्हन इतना डर गई कि उसे लगा दूल्हा कोरोना से संक्रमित है। वो वहां रुकी तो वह संक्रमित हो जाएगी, इस डर से उसने टॉयलेट का बहाना किया और फोन करके मायके से भाई को बुला लिया। बहन की आपबीती सुनने के बाद भाई तुरंत कार लेकर ससुराल पहुंचा और दुल्हन को वापस घर ले आया। तो दोस्तों आपको बता दें कि दूल्हे के घर में कई लोगों को बुखार था, वे जांच भी करवा चुके थे। इस दौरान ससुराल से किसी ने दुल्हन से मजाक में कहा कि हम लोग कोरोना संक्रमित निकले तो पास के कोविड सेंटर में क्वारंटीन होना पड़ेगा। दुल्हन इतना डर गई कि वो विदाई के बाद डर के मारे अपने भाई को बुलाकर अपने मायके वापस भाग गई। क्या कहेंगे आप इस खबर को सुनकर, कमेंट में जरूर बताएं।